नमस्कार, मैं हूं गौरी द्विवेदी और जी न्यूज की स्पेशल सीरीज द चाइना फाइल्स में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात होगी। हम बताएंगे कि कैसे जिनपिंग ने सिफर से शिखर तक का सफर तय किया। हम बताएंगे कि कैसे शी जिनपिंग ने खुद को चीन की सत्ता का सबसे बड़ा पावर सेंटर बना लिया और कैसे शी जिनपिंग ने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाया। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश और दुनिया का इकलौता कम्युनिस्ट सुपर पावर। चीन की तरक्की में महत्वाकांक्षाएं हैं तो डर भी है, संभावनाएं हैं तो संदेह भी है। पश्चिमी देशों के पूंजीवाद से प्रभावित तरक्की ने कुछ ही दशकों में चीन की तस्वीर बदल दी। बदलाव भी ऐसा जिसने डेंग जियाओपिंग के सिस्टम को भी बदल दिया। डेंग जियाओपिंग ने अपने दौर में सत्ता संचालन की एक व्यवस्था बनाई जिसने किसी नेता के देश से बड़ा बनने की संभावना को पूरी तरह खत्म कर दिया। डेंग जियाओपिंग ने नियम बनाया कि कोई भी नेता दो से ज्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन 36 साल बाद शी जिनपिंग ने उस नियम को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और पूरी जिंदगी राष्ट्रपति बने रहने का नया नियम बना दिया। और ऐसा करने के साथ ही शी जिनपिंग ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को वन मैन पार्टी वाले दौर में पहुंचा दिया जहां माओ ने उसकी शुरुआत की थी। माओ सेतुंग और डेंग जियाओपिंग के बाद जांग जमीन और हू जिनताओ जैसे नेताओं ने एक व्यवस्था बनाई जहां सरकार से जुड़े फैसले आम सहमति से लिए जाते थे। सरकार चलाने की इस व्यवस्था की वजह से चीन में ना तो माओ जैसा कोई तानाशाह पनप सका और ना ही माओ राज में घटी त्रासदियां दोहराई जा सकी। ये व्यवस्था दो दशकों तक चली, लेकिन 2012 में शी जिनपिंग ने यह व्यवस्था खत्म कर दी और देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक बार फिर एक व्यक्ति के हाथों की कठपुतली बन गई। Why does he want, you know, the third term? I think in the view of him and his supporters, you need to have the same leadership in for a number of years in order to get things done. The other view is that this is an egotistical dictator. शी जिनपिंग का जन्म 1953 में बीजिंग में एक जाने माने क्रांतिकारी शी जोंगचुन के घर हुआ था। वो अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। जिनपिंग जब 5 साल के थे तब उनके पिता चीन के वाइस प्रीमियर बन गए, लेकिन चीन के तमाम संपन्न परिवारों की तरह जिनपिंग की परिवार भी 1960 के दशक में शुरू हुए कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान माओ की रेड आर्मी के कहर का शिकार हो गए। ये रेवोल्यूशन पूंजीवाद के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन इसकी आड़ लेकर रेड आर्मी ने शहरों में जमकर तोड़फोड़ की। इसी दौरान हजारों लोगों को भी मार दिया गया। रातों रात शी जोंगचुन को अपने पद और सम्मान से हाथ धोना पड़ा। वाइस प्रीमियर और फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल होने के बावजूद उन्हें क्रांति विरोधी बताते हुए उनका शुद्धिकरण किया गया। 1962 में माओ और शी जोंगचुन के रिश्ते बिगड़ गए। 1968 में 15 वर्ष की उम्र में शी जिनपिंग उत्तरी चीन में शांगजी प्रांत की कोयला खदान में काम करने चले गए। चीन के भावी राष्ट्रपति ने 6 वर्षों तक चीन के ग्रामीण इलाकों में मजदूरी की। जिनपिंग उन 1.5 करोड़ शहरी नौजवानों में शामिल थे जिन्हें जबरन ग्रामीण इलाके में काम करने के लिए भेजा गया था। माओ ने यह बेतुका फैसला शहरों में बढ़ती बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए किया था। कहा जाता है कि शांगची में शी जिनपिंग ने नालियों की सफाई और सुअरों को खिलाने का काम भी किया था। कुछ लोग कहते हैं कि यही वो वक्त था जब छोटे राजकुमार को स्मोकिंग करने और अपने लिए थोड़ा वक्त मिलता था।
गांव में मुश्किल हालात के बीच रह रहे जिनपिंग की ये जिंदगी उनकी पुरानी जिंदगी से पूरी तरह अलग थी और कठिन भी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ज्यादातर संपन्न परिवारों ने अपने बच्चों को उन इलाकों में भिजवाया था जहां उन्हें मुसीबतों का सामना न करना पड़े, और शांगची उन इलाकों में से एक था जहां शी जिनपिंग के पिता की अच्छी खासी पकड़ थी। कल्चरल रेवोल्यूशन का शोर थमने तक शी जिनपिंग कम्युनिज्म के लाल रंग में पूरी तरह रंग चुके थे, लेकिन पार्टी उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। लेकिन शी जिनपिंग अड़े रहे और रिकॉर्ड 10 बार पार्टी में एंट्री की कोशिश की, और आखिरकार जनवरी 1974 में वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फुल टाइम मेंबर बन गए। तब तक शी जिनपिंग के पिता की भी पार्टी में वापसी हो चुकी थी और उन्हें मलाईदार पोस्ट भी दी गई थी। शी जिनपिंग रईस और रसूखदार परिवार के राजकुमार थे और जिंदगी के कई मोड़ पर उन्हें इसका फायदा भी मिला। चीन के ताकतवर नेताओं, अफसरों और कारोबारियों के बच्चों को प्रिंसलिंग यानी राजकुमार कहा जाता था। कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान हुए अत्याचारों का रोना रोने की बजाय जिनपिंग ने अपने पिता के ऊंचे राजनीतिक ओहदे का फायदा उठाया। रसूखदार परिवारों में जन्मे बच्चों को आसानी से अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला मिल जाता था और बाद में उन्हें अपनी पसंद का करियर चुनने का भी मौका मिलता था। वो राजनीति या बिजनेस में जिसे चाहे चुन सकते थे और शी जिनपिंग को भी इसका फायदा मिला। कल्चरल रेवोल्यूशन की आंधी थमने के बाद शी जिनपिंग ने पार्टी के कई अहम पदों पर काम किया। पिता की सक्रिय राजनीति में वापसी ने शी जिनपिंग को आगे बढ़ने में काफी मदद की। 1983 में जिनपिंग होबोई प्रांत की शेनजिंग काउंटी के सेक्रेटरी बन गए। 5 साल बाद उनके पिता के राजनीतिक कनेक्शन की मदद से वो दक्षिणी फुकेंद प्रांत के निंगडे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी बन गए। 1994 में शी जिनपिंग फुकाओ म्युनिसिपल पार्टी के सेक्रेटरी बन गए और 2001 में फुकेन प्रांत के गवर्नर बन गए। इसके अगले साल वो आर्थिक तौर पर संपन्न शेनजियांग में पार्टी के प्रमुख बन गए। यहीं पर शी जिनपिंग ने साफ सुथरी राजनीति के मसीहा वाली अपनी छवि को गढ़ा और उसे मजबूती दी। लेकिन अब भी शी जिनपिंग राष्ट्रीय राजनीति से दूर थे और 2006 तक यही तस्वीर रही। 2006 में शंघाई के पार्टी प्रमुख रहे चेन लियांगयू के तथा कथित पतन ने जिनपिंग को उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा ब्रेक दिया। 2006 में चेन को $480 करोड़ के पेंशन फंड घोटाला मामले में हटाया गया था। उस समय इस घोटाले ने चीन की राजनीति में हड़कंप मचा दी थी। जिनपिंग को चेन की जगह भरने के लिए चुना गया। देखते ही देखते 53 साल के शी जिनपिंग चीन की राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा बन गए। चीन में शंघाई के पार्टी सेक्रेटरी की भूमिका बेहद अहम होती है और उसे पॉलिट ब्यूरो में भी जगह दी जाती है, और ऐसा ही हुआ। इस घटना के साल भर बाद 2007 में शी जिनपिंग को पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में जगह मिल गई। इस तरह एक साल के भीतर ही जिनपिंग उन 9 ताकतवर नेताओं की कतार में खड़े हो गए जो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी और उस वक्त दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले चीन के कर्ता धरता थे। सत्ता के शिखर पर नजरें गड़ाए शी जिनपिंग मजबूती से आगे बढ़ते रहे और 2008 में वो चीन के उपराष्ट्रपति बन गए। जहां तक राष्ट्रपति पद की बात है तो शी जिनपिंग एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट थे, क्योंकि जांग जमीन गुट बो चिलाई के समर्थन में था जबकि हु जिनताओ गुट ली केचांग के साथ खड़ा था। जिनपिंग के हाथों चुनाव हारने के बाद ली केचांग चीन के प्रीमियर बने, जो सम्मान का पद तो था लेकिन उनके पास कोई शक्तियां नहीं थी। चुनाव होने के एक साल के अंदर सत्ता का हस्तांतरण भी पूरा हुआ और 14 मार्च 2013 को जिनपिंग चीन के छठे नेता और गृह युद्ध के बाद पैदा होने वाले पहले नेता बन गए। इस दौरान उन्होंने बो चिलाई जैसे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बड़े करीने से रास्ते से हटा दिया। बो चिलाई ने शी जिनपिंग की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की थी। 6 साल के भीतर तमाम राजनीतिक मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए जिनपिंग दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की जमात में खड़े हो गए। हालांकि तब भी वो दुनिया के लिए एक पहेली बने रहे, जो जिनपिंग को उनके कामकाज की वजह से कम
और उनकी ओपरा सिंगर पत्नी पेंग लियुआन की वजह से ज्यादा जानती थी। गद्दी पर बैठते ही जिनपिंग ने अपने रईस साथियों को पॉलिट ब्यूरो में जगह दी। 2013 में पॉलिट ब्यूरो के 7 में से 4 सदस्य रईस परिवारों के ही थे। चीन के इतिहास का ये पहला मौका था जब पॉलिट ब्यूरो में रईस परिवारों को इतनी जगह दी गई थी। जिनपिंग का मानना था कि जो नेता रईस खानदानों से नहीं है उन्हीं की वजह से पार्टी में भ्रष्टाचार बढ़ा है। जिनपिंग की यही सोच भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की सबसे बड़ी वजह बन गई और चीन के भ्रष्ट नेताओं को निशाना बनाया जाने लगा। जिनपिंग की ये मुहिम 25 साल पहले टाइनमेन स्क्वायर पर हुए नरसंहार के बाद सबसे बड़ी मुहिम थी। 2014 के अंत तक कम्युनिस्ट पार्टी ने 1,00,000 से ज्यादा नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा सुना दी। हांगकांग में मॉर्निंग बेल प्रेस के मालिक यू मान्टिन को पेंट के 7 छोटे डिब्बों की स्मगलिंग के आरोप में 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया। ऐसे ही छोटे मोटे अपराधों के लिए कई और नेताओं को कड़ी सजा सुनाई गई। जिनपिंग की इस कार्रवाई को राजनीतिक विरोधियों को डराने और उन्हें खामोश करवाने का हथियार माना गया और इसे माओ के राजनीतिक शुद्धिकरण का आधुनिक वर्जन बताया गया। He used that as he was selected by others to come up. It was not a question of election. He was selected by others to come up, but then he used corruption. He had to clean it out because there was such a high level of corruption that if he didn't sort of weed it out, the whole Communist Party system would have come under pressure again, like in 1989. But in the process, it also enabled him to consolidate his position in the party. पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पद पर अपनी ताजपोशी से पहले जिनपिंग ने भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तो की, लेकिन इसी के साथ उनके परिवार के लंबे चौड़े कारोबारी किस्से भी सामने आने लगे। जिनपिंग की बहन और बहनोई ने रियल एस्टेट, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंपनियों का बड़ा नेटवर्क बना लिया था। हालांकि इन कंपनियों से शी जिनपिंग का कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन 2007 से 2011 के बीच जब वो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे तो इस दौरान उनकी बहन और बहनोई की कंपनी का बिजनेस 27,00,000 डॉलर से बढ़कर 1,560,00,000 डॉलर का हो गया। शी जिनपिंग के खास गैंग में रईस परिवारों के 7 सदस्य शामिल थे, जिनमें मौजूदा वाइस प्रीमियर ल्यू ही, ल्यू शाओची के बेटे और मिलिट्री जनरल ल्यू युआन और सेंट्रल कमीशन ऑन डिसिप्लिन एंड इंस्पेक्शन के प्रमुख वेंग शिचान शामिल थे। सत्ता संभालते ही शी जिनपिंग ने सारी शक्तियां अपनी ओर खींचनी शुरू कर दी और 6 महीने के अंदर उन्होंने बड़ी आसानी से चीन के 3 सबसे शक्तिशाली पदों पर कब्जा जमा लिया। इनमें कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का पद, सशस्त्र सेनाओं के कमांडर का पद और राष्ट्रपति का पद शामिल था। जिनपिंग के उलट हु जिनताओ को सत्ता की शक्ति हासिल करने के लिए जांग जमीन से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जांग जमीन ने राष्ट्रपति का पद तो छोड़ दिया था लेकिन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन का पद नहीं छोड़ा था। चीन की सत्ता के तीनों पद पाने में हु जिनताओ को 18 महीने का वक्त लग गया था। इससे पहले डेंग जियाओपिंग ने भी सत्ता पर अपना कब्जा बनाने के लिए ऐसी ही तरकीब अपनाई थी। तब डेंग ने राष्ट्रपति पद पर किसी और के होने के बावजूद 2 साल तक मिलिट्री के सारे अधिकार अपने पास रखे थे। वैसे भी डेंग कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने बिना राष्ट्रपति बने वर्षों तक चीन पर राज किया। लेकिन शी जिनपिंग ने अपने आसपास सत्ता का कोई दूसरा केंद्र बनने ही नहीं दिया। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की कमान संभालने के साथ ही उन्होंने सत्ता के सभी गलियारों पर मजबूत पकड़ बना ली। सत्ता पर उनकी पकड़ कहीं से भी ढीली ना पड़े इसके लिए शी जिनपिंग ने अपने लिए कई नए पद भी बनाए। चीन के कोर लीडर का पद भी इन्हीं में से एक था। राष्ट्रपति बनने के 3 साल बाद उन्होंने ये पद बनाया और बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। पार्टी, सेना और सरकार के सर्वोच्च 3 पदों पर काबिज होने के साथ ही जिनपिंग विदेश नीति, आर्थिक मामलों और ताइवान मामलों पर बनी कमेटी के भी सर्वे सर्वा बन गए।
इतना ही नहीं, 2014 से 2018 के बीच अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए उन्होंने कई नई संस्थाएं बनाई, जिनमें इंटरनेट, सरकार में फेरबदल, राष्ट्रीय सुरक्षा और मिलिट्री सुधार से जुड़ी संस्थाएं शामिल हैं। इस दौरान संविधान में भी कई बड़े बदलाव किए गए। डेंग के योगदानों के उनके निधन के बाद संविधान में जगह मिली, जबकि जांग जमीन और हू जिंताओ के योगदान का जिक्र उनके कार्यकाल के अंतिम दौर में किया गया। लेकिन किसी भी नेता का नाम संविधान में नहीं लिखा गया। वहीं शी जिनपिंग के नए युग में समाजवाद और चीन की विशेषताओं पर लिखे गए विचारों को 11 मार्च 2018 में संविधान में जगह दी गई। इसके साथ ही शी जिनपिंग चीन के पहले ऐसे नेता बन गए जिसका नाम उसके जीवित रहते ही संविधान में लिखा गया। यहाँ तक कि उनकी नीतियां और काम को भी संविधान में जगह दी गई। जिनपिंग के बेहद खास प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 24 अक्टूबर 2017 को संविधान में शामिल कर लिया गया। कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर श्रीलंका ने चीन से रियायत देने की गुहार लगाई, लेकिन बदले में चीन ने अपने कर्ज पर 6.3% का मोटा ब्याज लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका के लिए कर्ज चुका पाना लगभग नामुमकिन हो गया। कर्ज के इस जाल से बचने के लिए श्रीलंका को 2015 में हम्बनटोटा पोर्ट और उसके आसपास की 15,000 एकड़ जमीन चीन को देनी पड़ी। हालांकि चीन ने इस पोर्ट के मानवीय इस्तेमाल की गारंटी दी, लेकिन भरोसे को तोड़ते हुए चीन की पनडुब्बियां हम्बनटोटा पोर्ट पर खड़ी होने लग गई। 2015 में जब ये घटना घटी थी, तब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर थे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने दुनिया पर चीन के दबदबे को एक नया आयाम दिया। 2008 के बाद चीन की कंपनियों के प्रोडक्ट को खपाने के लिए शुरू हुए इस प्रोजेक्ट ने चीन को दुनिया के उन देशों पर पकड़ बनाने का मौका दिया जो तब तक अमेरिका के दबदबे में थे। वेनेजुएला भी इनमें से एक था। जिनपिंग की इस मुहिम की बदौलत चीन ने विदेशी सरजमीन पर जबूती में अपना पहला नेवल बेस खोलने का मौका दिया। जबूती में चीन ने $1,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया था। 2016 में चीन की अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से भाग रही थी। सिर्फ यूरोप में ही चीन ने 3500 बिलियन यूरो का निवेश किया और यूरोप की कई दिग्गज कंपनियां कूका और सिंजेटा एजी का अधिग्रहण कर लिया। रणनीतिक तौर पर अहम माने जाने वाले हंगरी और इटली जैसे देशों में चीन के भारी भरकम निवेश के आगे यूरोपियन यूनियन भी बेबस दिखा। शी जिनपिंग की अगुवाई में चीन की इकोनॉमी फर्राटे भर रही थी। चीन की जो अर्थव्यवस्था 2013 में $9.5 trillion की थी, वो 2021 में $18 trillion तक पहुंच गई। चीन ने रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर में भारी निवेश किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने रिकॉर्ड पेटेंट अपने नाम कर लिए। इन सब से चीन मजबूत हुआ और साथ ही उसके राष्ट्रपति भी। आधुनिक चीन के संस्थापक माओ सेतुंग जब सत्ता के शिखर पर बैठे थे, तब सरकार चलाने के लिए उन्होंने कई सहयोगियों की मदद ली थी। इनमें से एक चाओ इनलाई थे, जो सबसे लंबे समय तक चीन के प्रीमियर भी रहे। चाओ ने भारत चीन और अमेरिका चीन रिश्तों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन जिनपिंग के चीन में किसी और नेता के लिए कोई जगह नहीं थी। जिनपिंग के राज में कोई नंबर टू नहीं था। बेखटक सत्ता और असीमित शक्तियों ने जिनपिंग की छवि हीरो वाली बना दी और चीन एक बार फिर व्यक्ति पूजा की दौर में पहुंच गया, जैसा माओ के दौर में हुआ करता था। माओ के अंत के 50 साल बाद भी लाल किताब ने उनकी महानायक वाली छवि को मजबूत ही किया है और अब शी जिनपिंग के भाषण और लेखों की किताबें भी छप चुकी हैं। शी जिनपिंग के सरकार चलाने का स्टाइल भी डेंग जियाओपिंग से अलग है। डेंग जियाओपिंग शक्ति प्रदर्शन के खिलाफ थे, लेकिन जिनपिंग के साथ ऐसा नहीं है। जिनपिंग की देश और विदेश नीति में हर जगह शक्ति प्रदर्शन को जगह दी गई और इसके साथ ही उन्होंने एक नया नारा इजाद किया, नारा शक्तिशाली राष्ट्रवाद का।
राष्ट्रपति बनने के बाद 17 मार्च 2013 को अपने पहले संबोधन में जिनपिंग ने लोगों से चाइनीज ड्रीम को पूरा करने का वादा किया था। उन्होंने नए चीन के पुनर्गठन का वादा किया था जो संपन्न और शक्तिशाली होगा। जिनपिंग ने अपने वादे को बहुत हद तक पूरा भी किया। उनके दौर में चीन में कई सामाजिक, आर्थिक और सैन्य बदलाव हुए। पड़ोसी मुल्कों के साथ बढ़ता सीमा विवाद और विदेशों में अपने सैन्य ठिकाने बनाना उसी पॉलिसी का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ देश के अंदर एक बच्चे वाली सख्त नीति में छूट देना इसका दूसरा पहलू है। जिनपिंग का सपना सिर्फ अपने मुल्क का मजबूत नेता बनना ही नहीं था बल्कि हांगकांग पर भी अपनी सत्ता स्थापित करने का था, जिसे हासिल करने के लिए हांगकांग में चीन सेना की दखल बढ़ा दी गई और हर तरफ सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इसके साथ ही चीन ने साउथ चाइना सी में कई विवादित द्वीपों पर अपना दावा ठोक दिया। चीन का पुराना गौरव हासिल करने में जुटे जिनपिंग ने दुनिया के बाकी देशों से रिश्ते सुधारने पर भी जोर दिया। 17 जनवरी 2017 को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण से सिर्फ 72 घंटे पहले जिनपिंग ने खुली अर्थव्यवस्था वाले देशों के सामने चीन की संरक्षण वाली अर्थव्यवस्था का बचाव किया। शी जिनपिंग की चाइनीज ड्रीम ने कई देशों के साथ उनकी दुश्मनी भी बढ़ा दी और तनाव भी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच अच्छे रिश्ते नहीं रहे। हालांकि डेंग की राह पर चलते हुए जिनपिंग ने अमेरिका से अच्छे रिश्ते बनाने की पूरी कोशिश की और डोनाल्ड ट्रंप को चीन में आमंत्रित किया। जिनपिंग ने ट्रंप को ऐतिहासिक फॉरबिडन सिटी की सैर भी करवाई, लेकिन इन सब के बाद भी ट्रंप चीन के मामले में की गई पुरानी आर्थिक गलतियों को सुधारने में जुटे रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ते रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के रिश्ते भी बेहद गर्मजोशी भरे रहे। जिनपिंग 3 बार भारत के दौरे पर आए जबकि मोदी 5 बार चीन पहुंचे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इससे ज्यादा बार चीन की यात्रा नहीं की है, लेकिन ट्रंप की ही तरह मोदी और जिनपिंग के रिश्ते भी 2019 के बाद बिगड़ गए। दोनों नेताओं औपचारिक मुलाकात के दौरान उनके चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दिया और इस तनाव की वजह भारत और चीन के बीच बढ़ता सीमा विवाद था। एक जुलाई 2021 को कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस पर शी जिनपिंग अपने फेवरेट ब्लैक सूट की बजाय माओ के ग्रे सूट में नजर आए। ऐसा करके वो अपनी छवि को माओ की तरह ऊंचाई देना चाहते थे। ग्रे सूट में टाइनमेन स्क्वायर पर उन्होंने हजारों की भीड़ का अभिवादन किया और प्रभावशाली भाषण दिया। शी जिनपिंग जैसा चाहते थे वो उनको मिल चुका है और इस नए चीन में चेयरमैन माओ समेत दूसरे नेताओं के लिए बहुत कम जगह है। We also have another Mao-like strongman, Xi Jinping. So it looks like strongman, one-man rule is really the norm for the Communist Party, which idealizes struggle. And it looks like the Deng years are really the aberration. And so we have to understand the nature of Chinese communism, and it is more like Mao than it is like Deng. माओ वाली छवि में दिखने के 6 हफ्ते बाद जिनपिंग की राजनीतिक विचारधाराओं को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया गया। दरअसल शी जिनपिंग अपनी छवि चीन की पौराणिक कथा टियानचिया के नायक की तरह बनाना चाहते हैं। टियानचिया में चीन के राजा को पूरी दुनिया का राजा माना जाता था और दुनिया के दूसरे राजा उसके नीचे आते थे। कुछ इसी तर्ज पर शी जिनपिंग भी दुनिया के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं।
चीन पर एक छत्र राज करने के बाद अब शी जिनपिंग पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग भी कर ली है। क्या है शी जिनपिंग का मिशन वर्ल्ड और कैसे वो इस मिशन को पाने की तैयारी कर रहे हैं, ये पूरी कहानी द चाइना फाइल्स के अगले एपिसोड में।